देख सकते हैं विधायक नील शर्मा पहुँचे हैं और यहाँ भी जोरदार स्वागत और मिठाई वगैरह खिलाई जा रही है, देख सकते हैं। ये देखें भैया, बंद कर दो। ये देखें, स्वागत तो आपने कर दिया सबने, सबको मेरे संघर्ष की जानकारी है कि नहीं है, है? सही संघर्ष कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपका समर्थन है इस संघर्ष को? तो गलत कर रहा हूँ तो भाई बता दीजिए ना। कोई गलत नहीं कर रहा। और किसके लिए लड़ रहा हूँ? सही लड़ाई लड़ रहा हूँ, गलत लड़ रहा हूँ? बिल्कुल सही लड़ रहा हूँ। आप समर्थन करते हैं इसका? बहुत बहुत धन्यवाद। पानी दे, पानी दे, चाय। विधायक जी, देश में मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी जी अभी हाफ टी शर्ट पहन घूम रहे हैं और आप भी सर्दी, इतनी सर्दी है, कम कपड़े पहन घूम रहे हैं, समझ लो क्या कहेंगे जो है? देखिए, ये सब किसके लिए राहुल गांधी जी कर रहे हैं, किसके लिए आप कर रहे हैं जो है? सबको देते, सबको देते। राहुल जी तो जो एक अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, हाँ, देश की एकता और अखंडता के लिए निकाल रहे हैं, उनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं। हाँ। पर मैं जो ये तप कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, ये अपनी NIT 86 की जनता के लिए कर रहा हूँ कि जब मैंने फाइलें पास करा दी और ये मेरी क्षेत्र की जनता, एक एक आदमी टैक्स देता है और कोई ऐसा एरिया नहीं है जो मैं यहाँ अपने कपड़ों पे लगा के बैठा हूँ जो कच्ची कॉलोनी हो। हाँ। सारा अप्रूव्ड एरिया है जिनकी मैं डिमांड कर रहा हूँ। जब ये आदमी टैक्स भ्रष्ट भाजपा सरकार को दे रहे हैं, उस भ्रष्ट भाजपा सरकार के पास 200 करोड़ रुपए तो थे घोटाले के लिए, अगर जो 200 करोड़ का घोटाला नहीं होता तो मेरी विधानसभा में कोई समस्या नहीं बचती। अच्छा। हमारी जनता ने फिर टैक्स दिया, इनसे वो 200 करोड़ तो भ्रष्टाचारियों से वसूले नहीं गए, परंतु जब ये 28 करोड़ की फाइल इनकी सरकार के मंत्री ने पास कर दी, विधानसभा में सबने देखा, मैंने बहस करी, मुख्यमंत्री ने एक महीने का समय मांगा, मंत्री ने एक महीने का समय मांगा, मैंने नहीं दिया एक महीने का समय, इन्होंने खुद एक महीने का समय मांगा और स्पीकर साहब ने इनको एक महीने का समय अलाउड किया। 17 जनवरी को एक महीने पूरे हो गए और उस दिन से ही मैं ठंड में ठिठुर रहा हूँ। सब मुझे पूछ रहे हैं कि आपको ठंड नहीं लगती, मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरे ऊपर ये सीताराम जी का रक्षा कवच है, स्वस्तिक का निशान है और जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे। विधायकी, विधानसभा स्पीकर जी कह रहे हैं कि बजट सत्र में आप ऐसे रहोगे तो फिर क्या कहते हैं, पुरस्कार वापस ले लिया जाएगा, विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई 302 का मुलजिम नहीं, 302 छोड़ो, मैं तो 157 का मुलजिम नहीं। आप किसी का पुरस्कार कैसे वापस ले लोगे? प्रकृति का न्याय है, इस देश का संविधान है, मैं विधायक भी हूँ और एक नागरिक भी हूँ भारत देश का, मुझे मेरे हक भी पता है, मेरे कर्तव्य भी पता है, मेरे अधिकार भी पता है। भाई, मेरे से पुरस्कार किस बात पे वापस लोगे? मैं तो स्पीकर साहब से मिलने का समय मांग रहा हूँ और मैं पूछना चाह रहा हूँ स्पीकर साहब से, क्या जय सीताराम शब्द लिखना और स्वास्तिक का निशान बनाना असंसदीय है, अशोभनीय है या अमर्यादित है? मेरे इन कपड़ों में क्या चीज अशोभनीय है, क्या मर्यादित है, क्या संसदीय, मुझे बताएं। जो स्पीकर साहब आदेश करेंगे मैं जरूर मानूंगा। तो अभी तक समय नहीं दिया उन्होंने? अभी समय नहीं दिया उन्होंने, मैंने उनसे हालांकि 7 तारीख का ही समय मांगा था क्योंकि डेली हमारी पदयात्रा चल रही है, कल मुझे चंडीगढ़ जाना है, विधानसभा सत्र को लेके हमारी CLB की मीटिंग है, कल कोशिश करूंगा उनसे मिलने का। मैंने तो कहा विशेषज्ञों को बुला लो, बैठ के बहस करो, बातचीत से ही तो हल निकलेगा किसी चीज का। मेरे शब्दों में कुछ गलत होगा तो मैं जरूर हटाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। जय नीरज शर्मा, देखते हैं।